नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, व्याख्याता इतिहास, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का प्रश्न पत्र है एमए फाइनल ग्रुप सी पेपर 7। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट या स्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कार्नवालिस का स्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कार्नवालिस ने 10 फरवरी 1790 को 10 वर्षों के लिए भूमि की व्यवस्था की घोषणा की और कंपनी के संचालकों की स्वीकृति मिल जाने पर 22 मार्च 1793 को उसने इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने की घोषणा कर दी। स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख प्रावधान लॉर्ड कार्नवालिस ने इस प्रकार रखे। पहला, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। दूसरा, जमींदारों से लिया जाने वाला लगान सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया और यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा निर्धारित लगान को कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। तीसरा, जब तक जमींदार अपने हक का लगान देता रहेगा उसकी भूमि छीनी नहीं जाएगी, परंतु यदि उसने निर्धारित लगान जमा नहीं कराया तो उसकी भूमि का कुछ भाग लगान की वसूली के एवज में सरकार कब्जा कर सकती है, बेच सकती है और बेचकर वसूल कर सकती है। चूंकि राज्य भू स्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गया, अतः जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा। पांचवा है, जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए, अब न्याय करने का अधिकार कंपनी को रहेगा। छठा है, जमींदार तथा उसकी रैयत के संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया, किंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत को पट्टे देंगे। इन पट्टों से जमींदार तथा किसान के संबंधों का उल्लेख होता था। यदि कोई जमींदार अपने किसान को दिए गए पट्टे का उल्लंघन करेगा तो किसान को उसके विरुद्ध न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार होगा। अगला है, जमींदार भूमि का वास्तविक मालिक होने के कारण भूमि को बेच या खरीद सकते थे। स्थायी बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, 1793 में निर्धारित भू राजस्व की दर में कभी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा, भूमि की उपज से संबंधित तीन पक्ष थे, सरकार, जमींदार और कृषक। सरकार ने जमींदारों के अधिकार की घोषणा करके तथा राजस्व निर्धारित करके सरकार और जमींदारों के हित की रक्षा कर ली, परंतु किसानों की उपेक्षा की। अगर तीसरा है, जमींदार भूमि का स्वामी होने के नाते अपनी भूमि को बेच व खरीद सकते हैं तथा ऐसा करते समय उन्हें सरकार से पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। कार्नवालिस ने जमींदारों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। यह जमींदार वर्ग सरकार का स्वामी भक्त हो गया। इति नमस्कार।